हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग इंजीनियर। तो गाइज, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट करा और बहुत लोगों ने मैसेज भी करा, कॉल भी करा कि भाई एग्ज़ाम का जो ये रूल रेगुलेशन आया हुआ है तो उसका क्या झोला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है लास्ट टाइम के एग्ज़ाम से। क्योंकि इसमें जो 5 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होंगे, वो उसको बोल रहा है कि अपने हैंड राइटिंग में A4 साइज पेपर पर अपलोड करने के लिए। तो आज मेनली फोकस यही होगा, और जो भी डाउट्स वगैरह आए हैं लास्ट वाले वीडियो में, मैं उसको भी डिस्कशन करूंगा। और आई थिंक ये इस सीरीज का, मतलब एग्जाम, ये एंड टर्म का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो गाइज, मैं भी हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो कोई नहीं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और गाइज, जितना जल्दी हो सके जब वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग देख लें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कोई फैकल्टी वगैरह देख ले तो वीडियो हटानी पड़ सकती है चैनल पर से। तो आई होप तो आप लोगों के लिए फायदे का सौदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ये थोड़ा सा सेंसिटिव वीडियो हो जाता है, तो इसको मे भी हटाना पड़ जाए तो आप लोग देख लेंगे कटाक से। तो जो मेरा मेन मोटिव पर्पस होता है वीडियो बनाने का, वो पूरा हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आए हुए हैं कॉलेज की तरफ से। वो एक्चुअली मेरे पास, हम लोगों को मेल नहीं आया था और नहीं आएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए तो फर्स्ट ईयर, सारे फर्स्ट ईयर को मेल भेजा गया था। तो एक छोटे भाई जो कि मेरे को मेल भेजे हैं, फॉरवर्ड किए थे, अब यू दे मेल देखते हैं। और गाइस, मैं अभी सो के जगह हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा सोया जैसा, तो उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पे जैसा कि मेल में आया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली मतलब मेन पॉइंट को पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, गाइडलाइन फॉर द एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो इसमें पहला कि मॉड्यूल 1 में एग्जामिनेशन प्रोटेक्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि ये सामने बंदा आप लोगों को देख रहा होगा और फिर आपको उसके सामने एग्जाम देना है वीडियो कॉल पे। ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। सिलेबस वगैरह तो मैंने भी पहले ऑलरेडी बता दिया था कि 20% जो है मिड टर्म से आएंगे और 80% एंड टर्म से आएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर फॉर्मेट, तो पेपर फॉर्मेट में है, क्वेश्चन पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए वुड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी वुड कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। स्टूडेंट आर सपोज टू सॉल्व ईच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑन ए सेपरेट A4 sheets and then upload separate scanned JPEG and PDF file on the portal. It is necessary to write roll number and name, subject code and name on each answer sheet. Scanned answer file must be properly readable. तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन बी का जो क्वेश्चंस होगा उसको कह रहा है A4 sheet size पे लिखने के लिए, और उसको JPEG या PDF मतलब टाइप में उस फाइल को अपलोड करने के लिए, और हर पेज पे आपका रोल नंबर, नाम वगैरह लिखा हुआ होना चाहिए, और SRIT में लिखना है कि बंदा पढ़ सके। तो वेल गाइज, ये थोड़ा डिफरेंट है लास्ट टाइम के एग्जाम से, और जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो रही थी इस पे नहीं हो रही थी। तो मैंने एक बात करी है, मेरा एक दोस्त है, वो शायद कोई बिजनेस का वो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका दिख रहा होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें यही सिस्टम है जो हमारे कॉलेज में है, इसका ऑलरेडी से ऐसा सिस्टम चला रहा है। इसमें भी वो है कि PDF अपलोड करनी पड़ती है इन लोगों को, तो मैंने उनसे बात करी थी, और चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज इकोसिस्टम, और इसके नीचे में अटैचमेंट्स है। तो और उसके कॉर्नर में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक कैमरा का लोगो बना हुआ है, और उसके बगल में अपलोड का लोगो बना हुआ है। मैंने उससे स्क्रीनशॉट मंगाया है, मैं पूछा कि तुम्हारे पास है, तो बोला हाँ है, तो मैं बोला भेज दूँ। तो इसके यूनिवर्सिटी का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, मुंबई में पड़ता है ये। तो गाइज, यहाँ पे देख रहे हैं अटैचमेंट है, तो उसके सामने 2 ऑप्शंस दिए हुए अपलोड और फोटो का, मतलब कि ऐसे कैमरा में फोटो भी दिखा सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं, जैसा कि वो कहीं अगर फाइल वगैरह में पड़ी हुई है। और उसके नीचे जो है टाइपिंग का भी ऑप्शन इसके पोर्टल पे दिया गया है, क्योंकि इसका अलग है, मे भी हो सकता अपना लोग का अलग हो, लेकिन कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है, तो इसीलिए मैंने इससे बात करा और सोचा आप लोगों के लिए बात करा, और इससे आज मॉर्निंग में ही बात किया हूँ और उसे ये स्क्रीनशॉट मंगाया हूँ उसका।
तो यहाँ पे आपको देख के थोड़ा सा आइडिया तो आ ही गया होगा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे और उसको लिखना है, अपलोड करना है, लिख के उसको स्कैन कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में स्कैनर नहीं है तो स्कैनर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर उसे भी नहीं है तो फोटो खींच के उसको PDF में क्या बोलते हैं अरेंज कर दीजिएगा पेज बाय पेज, और उस पर नाम सब पेज पे A4 शीट के सारे पेज पे नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वो मेंशन्ड है अपने इंस्ट्रक्शंस में। तो ये चीज़ हो गई, ये बहुत मतलब सभी बच्चों का यही क्वेश्चंस था, तो ये आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि टीचर्स वगैरह बताते नहीं, आप लोगों ने मैं बताया था कि टीचर्स वगैरह, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे आप लोगों के ऐसे टीचर्स हैं जो कि नया मतलब आए हुए हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होता नहीं है, और टीचर उतना दिमाग खपाना नहीं चाहता इन सब चीज़ों में, इसीलिए तो सीनियर को बनाया गया है कॉलेज में। समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं वहाँ पे लाइव आके भी कुछ कुछ बता देता हूँ शाम में रात को, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है नीचे फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड टर्म और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या होगा, तो वो अपने तरीके से देख ले यहाँ पे। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैन अपेयर इन एग्जाम इन लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट, हाउएवर फॉर बेटर रेजुलेशन एंड क्लियरिटी इट प्रिफर्ड दैट स्टूडेंट अपीयर ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। मतलब कह रहा है कि अगर आपको हो सके तो कोई कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रीफर करना चाहिए लैपटॉप और डेस्कटॉप, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप पे देना चाहिए, आपका जो है वेबकम काम करना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ मॉडरेट स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, मतलब स्पीड जो है इंटरनेट की आपकी खास मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रास्ते में अटक जाए। और यहाँ पे लिखा है डिवाइस शुड हैव क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, तो आपके लैपटॉप या सिस्टम में आप क्रोम पे या फायरफॉक्स पे दे सकते हैं। और यहाँ पे है डज नॉट, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद यही है इसका मतलब। तो पहले क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द सेड रिक्वायरमेंट मेंशन इन अबव पॉइंट बिफोर द एग्जामिनेशन, जो ऊपर अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वो बोला कि ये सब चीज़ों की जरूरत है आपको एग्जाम देने के लिए। और दूसरा है यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योर फेस ऑन GLMS इफ डू नॉट टिल नाउ फॉर दिस कॉन्टेक्ट योर क्लास एडवाइजर, मतलब ये बोल रहा है कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपका फेस ही होगा, इसीलिए जिन्होंने अभी तक फेस रजिस्ट्रेशन नहीं करा है क्लास एडवाइजर से बात करें और फेस रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर इन मॉक टेस्ट विच विल बी कम्युनिकेटेड सून बाय कंसर्न डिपार्टमेंट। तो मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि ताकि जो भी सॉफ्टवेयर पे आप लोगों को या पैटर्न या सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है कि आपको फेमिलियर हो जाएंगे, अगर कोई इशू आती है कोई प्रॉब्लम आती है इन ड्यूरिंग मॉक टेस्ट तो आप एट ए टाइम रिसॉल्व कर सकते हैं, ताकि जब आपका रियल एग्जाम चल रहा हो तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत फेस करनी ना पड़े, तो वो चीज़ें हो गई। और यहाँ पे दूसरी उसके बाद है कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू लॉग इन, आपको कह रहा 15 मिनट पहले ही लॉग इन कर ले, ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी नॉट मैंडेटरी। पॉइंट है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू शुड मेक नेसेसरी एम्बिनियंस अरेंजमेंट एट योर प्लेस ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा सा जगह देख ले एग्जाम देने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए प्रॉब्लम ना होने, पहले ही बोल रहा है। तो अब दूसरा है कि जो नहीं करना है, तो इसमें यू वुड बी अपीयरिंग इन ए प्रोक्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एवरी टाइम वेयर वुड बी ए प्रोक्टर हु वुड बी वॉचिंग योर एंड योर एक्टिविटीज। तो मैंने जैसे ही बताया कि आप लोगों का वेबकैम जो चालू होगा तो वो देखता रहेगा सामने से एक प्रोक्टर बैठ के, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज सच ए मेंशन बिलो दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अदरवाइज द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली रोक योर एग्जाम आफ्टर गिविंग 3 वार्निंग। तो कह रहा है 3 वार्निंग देने के बाद आपको जो अपने आप जो सॉफ्टवेयर है वो आपको लॉक कर देगा। तो अब क्या नहीं करना है, पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डू नॉट स्विच ऑफ योर वेबकैम, मतलब वेबकैम बंद नहीं करना है किसी भी हाल में। डू नॉट ट्राई टू मिनिमाइज द एग्जाम विंडो,
कि कोई भी मिनिमाइज नहीं करना है, स्प्लिट स्क्रीन नहीं करना है और डू नॉट ओपन एनी स्क्रीन और उसके ऊपर कोई स्क्रीन नहीं करना है, प्रेस एनी कंट्रोल की नहीं दबाना है, डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन के इधर उधर कुछ नहीं दबाना है। उसके बाद है देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी इन द रूम वेयर यू अपीयरिंग इन एग्जाम, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कीप योर माइक ऑफ, देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ साउंड कमिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो कह रहे आप अपना माइक ऑफ करके रखिए क्योंकि साउंड जरूरी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि साउंड नहीं जाएगा। उसके बाद है यू शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शंस वंस यू आर कंफर्म्ड एंड यू इज नॉट एबल टू गो बैक टू एनी क्वेश्चंस एंड सेक्शंस। अगर आप एक बार क्वेश्चन सबमिट कर दिया, नेक्स्ट कर दिए, तो आप पीछे नहीं जा सकते हैं, वन वे रास्ता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाइए। एग्जामिनेशन वुड बी ऑटो सेव्ड टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो एंड एट द एंड ऑफ टाइम क्लिक ऑन फिनिश एंड सेव बटन ओनली यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो कह रहा है कि ये टाइम टू टाइम, जैसे आपने दो चार क्वेश्चंस कर लिए तो एक फिक्स टाइम होता है, जैसे 30 सेकंड या एक मिनट पे ये ऑटोमेटिक सर्वर से कनेक्ट करता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल में वो चीज़ बताई है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कि टाइम टू टाइम वो सर्वर से कनेक्ट करेगा और आपका जो क्वेश्चन ऑटोमेटिक वो सेव कर देगा और एट द एंड आपको फिनिश बटन दबाना है और सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद है कि सिमिलरली यू वुड अवॉइड एनी एक्टिविटी दैट मे लीड द ब्लॉकिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन वंस ब्लॉक यू वुड नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर एग्जामिनेशन। कह रहा है कि आप अगर ब्लॉक कर दिया जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है उसको देख के डरना नहीं। इन केस यू फील इट हैड बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू सम एरर यू वुड बी रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट योर प्रोक्टर, नंबर जो है नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, हेल्प टू यू आउट, यू शुड कॉल हिम हर फ्रॉम द मोबाइल अदर देन दैट ऑन विच यू आर वेयरिंग, इन सच ए केस यू वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर लॉसेस ऑफ एनी टाइम। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है कि आपके किसी गड़बड़ी के कारण या किसी मिस्टेक से आपको ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप अपने प्रोक्टर को कॉल करें, और मैं भी हो सकता है प्रोक्टर भी आपको कॉल कर सकता है, अगर अच्छा प्रोक्टर होगा तो वो आपको कॉल करेगा, बेटा तुम इधर उधर कर रहे हो, ऐसे ना करो तो ब्लॉक कर दिए जाओ। वैसे टाइम टू टाइम मैसेज भेजते रहते हैं वो, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, मतलब ध्यान रखें। तो आई होप कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। एंड सम क्वेश्चंस थे आप लोगों के कमेंट्स में, वो भी रीड आउट कर देता हूँ एक बार। तो गाइज क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करा था 14 घंटे पहले ना भैया, आई एम नथिंग भैया, क्वेश्चन जंबल तो नहीं होगा सब के एम सी क्यू में। तो गाइज मैंने पहले ही बताया था कि ये सिस्टम बेस्ड होता है, तो ये सबका जंबल होगा, नेमिंग चेंज होगा, बाद में क्वेश्चन लगभग 2-3 सेट ही बनते हैं, तो अप्रोक्सीमेट सबको मैच हो ही जाएगा, एक घंटे के बाद सबका जो है क्वेश्चन मैच करने लगेगा। और दूसरा है इमरान खान भैया, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए। तो एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, आप लोगों को जो मेल आया वो कैरी ओवर का आया है, तो कैरी ओवर मतलब होता है बैक, जो आपके सीनियर्स हैं उनके जो बैक लगी होगी तो उनके लिए है कि उसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो भैया मेरी 2 सब्जेक्ट में 75% से कम अटेंडेंस है, मैं क्या करूं? तो गाइज जिसका 75% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 तक चलता है, 60 के बाद का शायद आपको जो है HOD से बात करनी पड़ेगी, लेकिन 60 तक आपको अप्रूवल मिल जाती है एग्जाम देने के लिए। उसके बाद यूपी ब्लॉग बॉयज हैं भाई, मेरे लाइव वीडियो प्रोक्टर के पास जाएगी क्या एग्जाम देते टाइम? हाँ भाई जरूर जाएगी। और उसके बाद है रितिक गुप्ता भैया, मैं लास्ट टू मंथ से घर पर हूँ ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम और मैंने मिड ईयर एग्जाम भी नहीं दिया है, तो अब क्या करें और क्या होगा, पास कैसे होंगे, बस बैक ना लगे। तो मिड टर्म नहीं दिए हो भाई, तो बैक तो वैसे भी तुमको लगनी ही है मेरे ख्याल से, लेकिन अपने क्लास एडवाइजर से बात कर लो, मैं भी हो सकता है उनके पास कुछ अच्छा जुगाड़ हो, इससे बेहतर हो। सर लैपटॉप का कैमरा उतना अच्छा नहीं, क्लियर नहीं है, तो उससे काम चल जाएगा या वेबकैम लेना पड़ेगा?
तो गाइस लैपटॉप का कैमरा सच में उतना अच्छा नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप वेबकैम खरीदो 500,000 रुपए लगाओ तो उससे काम चल जाएगा। बस आपका फेस डिटेक्ट हो जाना चाहिए, इतना ही काफी। अगर फोन से देते हो तो फोन का कैमरा बहुत ही बढ़िया होता है। थोड़ा जहां पे भी आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा लाइट को डिम करके रखो, ऐसा नहीं कि एकदम पेपर जला के बैठ गए अच्छी तरीके से, तुम्हारा नजर किधर जा रहा है सारा कुछ प्रॉक्टर देख रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाकिर खान ब्लॉग पूछ रहे हैं कि फेस रजिस्ट्रेशन वाली लिंक नहीं खुल रही है आईफोन में, कैसे करें? तो भाई आईफोन में नहीं खुले तो कोई बात नहीं, एंड्रॉयड में कर लो, एट द टाइम उस समय काम करने लगेगा। और एक चीज में, और अगर आप लोगों को आईफोन या किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा जो कॉलेज का सर्वर है वो फायरफॉक्स बेस्ड है, तो आप क्रोम को छोड़ के फायरफॉक्स प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह डाउनलोड अगर पोर्टल से नहीं हो रहा तो आप क्रोम खोल के एक बार जरूर प्रयास करें, मे भी हो सकता है काम कर जाए। यहाँ पे रिया सिंह पूछ रही है, सर प्लीज एक्सप्लेन राइटिंग पार्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम लाइक हाउ वी अपलोडेड इट ऑल दिस। तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कैसे करना है, क्या करना है ना। उसके बाद है अस्त्रिविता चित्रा, क्या है चैनल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूछ रहा है कि सर मैथ का कैसे होगा। तो मैथ का ऐसे होगा कि मैथ के क्वेश्चंस बहुत कम, मतलब गूगल पे मिलेंगे, मिल जाएंगे, एग्जाम वेदा वगैरह पे मिल जाते हैं, एग्जाम वेदा बहुत अच्छा साइट है मेरे ख्याल से, अभी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे मिल जाते हैं और सही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी भी बहुत बार बताया कि ब्रैनली होता है और दो तीन जो है बैजू ब्रैनली, ये सब एप्लीकेशन को लॉग इन करके रखो दो कि एट द टाइम आपको जो है वो नहीं करना पड़े, लॉग इन करने लगे टाइम जाएगा, क्योंकि टाइम इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनेशन। तो आई थिंक सारा प्रॉब्लम एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियां आप लोगों को चाहिए थी वो मैंने दे दी है, लास्ट दो तीन वीडियो में उस पर बना चुका हूँ, जो कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जरूर एक बार जाके चेकआउट करें, है ना। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, कोई लजाने शर्माने या घबराने की बात नहीं, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, क्योंकि जब भी मैं शाम में भी हो सकता है कभी लाइव आऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी बहुत वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कि गाइज थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये सब आपकी ही बदौलत हुई है, तो लव यू गाइज एंड वंस अगेन थैंक यू। तो आई होप कि आप लोगों की सारी क्वेश्चंस क्वेरी अब ख़त्म हो गई, उसके अलावा भी कोई दिक्कत है किसी को तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठंड है, बच के रहिए, इंजॉय कीजिए और पढ़िए लिखिए।